हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। सब्जियों में पालक का अगर कुछ नई वैरायटी मिल जाए तो बात ही क्या है। तो मैं आपके लिए बिल्कुल ही बहुत ही न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है लहसुनिया पालक। बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी भी है। तो झटपट हम चलते हैं किचन में और स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को फॉलो करें तो आप भी इसी तरह टेस्टी लहसुनिया पालक बनाएंगे। तो चलते हैं और बनाते हैं ये रेसिपी। तो यहाँ पर हमने पालक लिया है, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये आधा किलो के करीब पालक है और कढ़ाई में हमने पानी को गर्म कर लिया है। तो अब पालक को इसके अंदर हम डालेंगे। पालक को आप पालक को 2 मिनट हो गए हैं बिल्कुल बॉयल होते हुए, तो यहीं पर गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से पानी इसका निकालते हुए हम इसके अंदर डालेंगे। दूसरे पतीले में डालेंगे, जो हमने यहाँ पर ठंडा पानी लिया, आप देखिएगा यहाँ पर आइस पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर हम डालेंगे पालक को। इससे क्या होगा कि आपका जो पालक का ग्रीनरी है वो जाएगा नहीं, और जब ये हम सब्जी बनाएंगे तो इसका टेक्सचर बिल्कुल ग्रीन रहेगा। तो इस तरह हम पालक को इसके अंदर डाल देते हैं। कढ़ाई को हमने यहाँ पर गरम कर लिया है और इसके साथ ही यहाँ पर हम 1 स्पून के करीब घी डाल देते हैं। साथ में यहाँ पर हम जीरा ऐड करते हैं, 1 स्पून जीरा है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम लहसुन डालते हैं। तो हमने 5 कलियां लहसुन के लिए हैं और उसे बारीक कर लिया है। और उसके साथ ही हरी मिर्च डाल देते हैं 2, और इसे अच्छी तरह से सॉटे कर लेते हैं। इसे जब तक थोड़ा भूने, थोड़ा इसका कलर जब तक चेंज ना हो जाए लहसुन का, जिससे कोई बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। हल्दी लिया है 1/2 स्पून के करीब, धनिया लिया है 1 स्पून, और यहीं पर हमने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ली है थोड़ा सा कलर देने के लिए, और इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर नमक डालेंगे। नमक आप बहुत ही केयरफुल डालिएगा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पालक होता है ये भी थोड़ा सा सॉल्टी टाइप का होता है, तो इसमें नमक, जब भी कोई भी साग बनाते हैं तो नमक थोड़ा कम ही डालिए, बाद में आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह ये डालने के बाद अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ये जो हमने पालक पीसा था, उसे ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं सब मिक्स करते हुए। अब आप देख रहे होंगे कि पालक का कलर बिल्कुल ही ग्रीन है। इसका कारण यही है कि क्योंकि हमने इसे ठंडे पानी में डाला था, तो ये कलर इसका कांस्टेंट बना हुआ है। तो हमने इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लिया है। तो अब इसके अंदर अब हम दही डालते हैं। तो दही हम इसके अंदर 2 चम्मच के करीब दही डाल देते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर मलाई भी डाल सकते हैं। दही डालते समय ये ध्यान रखें कि जब भी आप दही डालें तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें, क्योंकि ये फटने का डर रहता है। दही डालने के बाद यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं रोस्टेड बेसन। बेसन को हमने भून लिया था और वो इसके अंदर डालेंगे, जिससे इसका क्या होगा, टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो उसे भी डाल के अच्छी तरह से इसके अंदर भून लेते हैं। तो इस तरह भूनने के बाद मेरा बेसन, ये जो हमने डाला है, ऑलरेडी भुना हुआ था, इसलिए हमें इससे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। तो ये वही पानी है जिसे मिक्सी में हमने पीसा था, वही जार का पानी है। तो इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कि जितना आपको पानी चाहिए। पर अब हम थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देते हैं। तो 1/2 स्पून के करीब गरम मसाला ऐड कर दें और इसे भी चला लेते हैं। अब ढक्कन लगाकर इसे हम कम से कम 5 से 7 मिनट तक ढककर बिल्कुल पकाएंगे इसे।
ढाकर लिड को देखते हैं, चेक कर लेते हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी जो कहते हैं वो ग्रेवी की आ गई है। और हमें ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर आपको इससे पतला चाहिए तो आप इसके अंदर पानी और डाल सकते हैं। तो मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, चावल के साथ जाएगा ये। और मैं यहीं पर गैस को ऑफ कर देती हूँ और दूसरे बोल के अंदर निकाल कर और फिर हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो लहसुन का कलर आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से चेंज हो गया है, तो इसे अब इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।